सो हे गाइज़, वेलकम टू माई चैनल अर्शिया किड ब्यूटी। और जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में 5 तरह के स्क्रब्स बताए थे, तो 2 स्क्रब जो थे वो ड्राई स्किन के लिए थे, 2 स्क्रब जो है वो ऑयली स्किन के लिए थे, और 1 स्क्रब जो है वो सेंसिटिव स्किन के लिए का था। तो मैंने आप सब वादा किया था कि मैं आप सबके लिए फेस पैक भी लेके आऊँगी, तो उसी तरह मैं आज आप सबके लिए 5 फेस पैक लेके आई हूँ स्किन की जो टेक्स्चर के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि मैंने 2 स्क्रब जो है वो ड्राई स्किन के लिए लाए थे, 2 स्क्रब जो है वो ऑयली स्किन के लिए लाए थे, और 1 स्क्रब जो है वो सेंसिटिव स्किन के लिए। तो उसी तरह आज फेस पैक भी मैं वैसे ही लेके आई हूँ। 2 फेस पैक होगा ड्राई स्किन के लिए, 2 फेस पैक होगा ऑयली स्किन के लिए, और 1 फेस पैक होगा सेंसिटिव स्किन के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मैं अब जो स्क्रब जो फेस पैक बताने जा रही हूँ वो है ड्राई स्किन के लिए। तो इसके लिए हमें लेना होगा एक एम्प्टी बोल, और इसमें हमें चाहिए 1 टेबल स्पून के करीब जो है ग्राम फ्लोर। ग्राम फ्लोर आपको पता ही होता है कि कितना अच्छा ग्लो देता है चेहरे को। सो 1 टेबल स्पून के करीब जो हमें ग्राम फ्लोर लेना है, एंड 1/2 टेबल स्पून के करीब जो हमें लेना है शहद। तो ड्राई स्किन को जो है मॉइस्चराइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसलिए जो है 1/2 टेबल स्पून के करीब जो हम इसमें शहद लेंगे, हनी, एंड 1 लेंगे हम उसमें 1/2 क्या नाम है मीडियम साइज़ का जो है ये टमाटो, और इसका जो जूस है वो हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। एंड रोज़ वाटर की हेल्प से जो है हम इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे एंड मिक्स करेंगे। और ये जो फेस पैक है वो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा, उन्हें मॉइस्चराइजेशन देगा, एंड साथ साथ में जितने भी पिंपल होंगे, ब्लैक हेड वाइटेड होंगे, उन्हें भी रिमूव करेगा। लेकिन पहले आप स्क्रब कर लेंगे, देन ही आप ये जो है हमारा ये जो फेस पैक है वो लगाएंगे। सो इसे अब मैं आज जो है अपने हैंड पर अप्लाई करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। सो आपको पता ही होगा कि इसे 15 मिनट के लिए अपने फेस पर लगना है, और उसके बाद फिर वॉश कर लेना है। थोड़ा सा स्क्रब करते हुए सर्कुलर मोशन में अगर आप इसे रिमूव करेंगे, तो इससे जो आपके फेशियल हेयर भी रिमूव होंगे, और साथ साथ में जो भी डर्ट एंड डस्ट होगी वो भी रिमूव हो जाएगी। सो आई होप कि आपको ये फेस पैक अच्छा लगा होगा। सो गाइज, ड्राई स्किन के लिए जो पहला फेस पैक था वो मैंने आपको बता दिया है, एंड अब आ रही है दूसरे फेस पैक की। तो ये बहुत ही इजी वाला फेस पैक है। सो इसके लिए हमें बस चाहिए होगा हमारा एम्प्टी बोल, एंड चाहिए होगा हमें बेसन, 1 टेबल स्पून के करीब बेसन हमें लेना है, एंड लेना है हमें रोज़ वाटर। और अगर आप थोड़ा और अगर आपको थोड़ा बहुत पिंपल विम्पल है, तो आप इसमें चाहें तो थोड़ी सी जो है पिंच ऑफ हल्दी भी मिला सकते हैं। सो हल्दी मिला लेंगे, तो इससे क्या होगा कि हल्दी एंटी बैक्टीरियल होती है, सो आपके पिंपल को रिमूव करने में जो हेल्प करेगी। सो रोज़ वाटर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा प्यारा सा जो फेस पैक है वो बन के रेडी हो गया है। सो अप्लाई इट ऑन योर फेस इंक्लूडिंग नेक, एंड लीव इट फॉर गुड 15 मिनट्स, एंड देन वॉश इट ऑफ विथ नॉर्मल वाटर। सो या, दिस इज़ अ वेरी ग्रेट फेस पैक। सो आई होप दिस फेस पैक विल रिमूव ऑल योर स्किन प्रॉब्लम्स। सो गाइज, ड्राई स्किन के लिए जो फेस पैक थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आती है बारी ऑयली स्किन की। तो ऑयली स्किन में से जो बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है, तो उसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले तो आपको अपना फेस वॉश कर लेना होगा सुबह उठते ही, और उसके बाद अगर आप अपना फेशियल करते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए एम्प्टी बोल, एंड आपको चाहिए बेसन, जो कि बहुत अच्छा रिमूवर होता है ऑयल एंड डर्ट एंड डस्ट का। सो 1 टेबल स्पून आपको ऑयल चाहिए, एंड आपको चाहिए 1/2 टेबल स्पून जो है आपको चाहिए हल्दी, विच इज़ टर्मरिक, एंड आपको चाहिए रॉ मिल्क। सो रॉ मिल्क से आप इसे मिक्स करेंगे,
तो कुछ ज़्यादा ही मतलब ये येलो येलो सा रहेगा, लेकिन फेस की स्किन पर जो है येलो कलर नहीं देता, ये ग्लो देता है। हाथ वाथ पे अगर आप इसको लगाएंगे तो ये येलो हो जाता हाथ, लेकिन फेस पे लगाने पर ये येलो नहीं होगा, काफ़ी अच्छा ग्लो देगा और जितने भी इम्प्योरिटीज़ होंगी उन सबको रिमूव करेगा। सो या ये बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर बन गया है, और आप इसको 15 मिनट के लिए अपने फेस पे रखेंगे और फिर वॉश कर लेंगे नॉर्मल वाटर से। सो गाइस, ऑयली स्किन के लिए एक फेस पैक मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा जो फेस पैक आता है उसके लिए हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। सो एक एम्प्टी बोल में हम मुल्तानी मिट्टी को ले लेंगे। मुल्तानी मिट्टी जो हमारे फेस पे जो भी ऑयल होता है उसको रिमूव करता है, और जो मतलब नेचुरल ऑयल होता है, जितना ऑयल हमारे स्किन के लिए ज़रूरी होता है उससे रहने देता है, और बाकी का जो ऑयल होता है जो मतलब ज़रूरत नहीं होती जिस ऑयल की, उस ऑयल को ये रिमूव कर देता है। सो उसके बाद फिर बस इसे नॉर्मल वाटर के साथ जो है आपको मिक्स कर लेना है, इसमें और कुछ ऐड करने की नीड नहीं है, और फिर आपको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है। इसकी अच्छी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जिससे कि आपके फेस पे अच्छे से अप्लाई हो सके, एंड फिर आप इसको जो है अपने फेस पर अप्लाई करके इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और फिर वाइट वाइट सा हो जाएगा, और फिर आप इसे वॉश कर लेंगे। तो ये चम्मच से जल्दी मिक्स नहीं होती है, हाथ से आप मिक्स कर सकते हैं जैसे भी आपको सही लगे। तो आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है, और उसके बाद फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। सो गाइज, ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों के लिए मैंने आपको फेस पैक बता दिए हैं। अब बारी आती है सेंसिटिव स्किन की। तो सेंसिटिव स्किन के जानते ही आप थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट आई होप कि मतलब होम इंग्रेडिएंट्स अगर हम आप लेंगे तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये सारे जो फेस पैक मैंने ऑयली स्किन और ड्राई स्किन के लिए बताए वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, बट अगर उससे आपको थोड़ी सी भी इरिटेशन होती है तो आप जो है आपको मतलब नॉर्मली सिर्फ हाफ टेबल स्पून के करीब जो आपको बेसन लेना है। आई होप कि बेसन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको लेना है बेसन, और लेना है आपको टर्मेरिक, आपको लेना है हाफ टेबल स्पून के करीब जो आपको शहद लेना है, हनी, और फिर आपको थोड़ा सा लेना है रॉ मिल्क, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इतना कि अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने शहद मिलाया है तो ये भी काफ़ी अच्छे से इसे मिक्स कर देता है। सो थोड़ा सा जो हमें रॉ मिल्क बनाना है, एंड बस हमारा जो फेस पैक है सेंसिटिव स्किन के लिए वो हो गया है रेडी। सो ये वाला जो है मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी जो है संतुष्टि मिल जाए। तो ये वाला फेस पैक जो है सेंसिटिव स्किन के लिए, और साथ साथ में ये ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले जो है थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, पर मेरे ख्याल से होम इंग्रेडिएंट से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं देगी। हाँ, बट आपको मतलब मार्केट के प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्लीच, फेशियल, ये सब जो है वो थोड़े से नुकसान कर सकते हैं, तो आपको होम इंग्रेडिएंट्स को ही जो है ध्यान में रखना चाहिए। सो इसको जो है आपको 15 मिनट के लिए जो है अपने फेस पर अप्लाई करना है, अच्छे से और फिर आपको इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर वॉश कर लेना है। सो आई होप कि आपको मेरा आज का ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड सो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड, एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स टू हेल्प देम। So, okay, bye-bye.